हेलो बच्चों। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखिए कल की क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को बनाया था। वहाँ हमने आपको बताया था कि भाई किसी सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की डायरेक्शन क्या होती है। कुछ बच्चों को, एक दो बच्चों को डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी, वो डायरेक्शन की प्रॉब्लम आज मैं क्लियर कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे जिनसे आपका वो डायरेक्शन का कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर भी हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास में है क्या। प्रॉब्लम नंबर वन हमारे पास में क्या है, प्रॉब्लम नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर वन में कहा गया है कि टू पॉइंट चार्जेस ऑफ 4 माइक्रोकुलम एंड -2 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, उनके बीच का जो गैप है वो हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ, व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजिशन ऑफ ईच। ठीक है, वॉट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस, फाइंड वेयर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बेटा तीन प्रॉब्लम है हमारे पास में, तीनों क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। कैसे सॉल्व करेंगे अब आप लोग ये देखिए। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि एक चार्ज है हमारे पास में 4 माइक्रोकुलम और एक चार्ज है हमारे पास में -2 माइक्रोकुलम। देखिए ए पार्ट, सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। एक चार्ज है अपने पास में 4 माइक्रोकुलम, दूसरा चार्ज है अपने पास में -2 माइक्रोकुलम और इनके बीच का जो गैप हमें दिया है वो दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले एक तो हमें यहां बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक हमें यह बताना है कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और एक हमें यह बताना है कि बीच वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहां बताना है, एक बार यहां बताना है, एक बार बीच में बताना है। मैंने इस पॉइंट को लेट कर लिया है ए, इस पॉइंट को लेट कर लिया है बी और इस पॉइंट को लेट कर लिया है सी। जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा बेटा बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। हमें ए वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी यहां निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा, अपने ही चार्ज की वजह से अपने ही पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अगर मुझे अपने ही वजह से अपने ही ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अपने ही चार्ज की वजह से अपने ऊपर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। यानी इस पॉइंट पर इसकी वजह से 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये देखो यार, इसकी वजह से यहां तो 0 हो गया, यानी इस वाले चार्ज का तो खेल ही खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास में ये वाला चार्ज, ये चार्ज कितना है -2 माइक्रोकुलम्ब। जब इसकी वजह से हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नेगेटिव की तरफ, यानी टुवर्ड्स नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नेगेटिव की तरफ यानी टुवर्ड्स नेगेटिव, तो इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा इतना E1 और उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ माइनस की तरफ। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस की वजह से माइनस की तरफ होती है। तो देखते हैं कि E1 की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए 9 × 10⁻⁹, ये 1/4πε0 की वैल्यू है। यहां का चार्ज आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁶। आप जानते हैं नेगेटिव साइन का यूज बिल्कुल आपको नहीं करना है बेटा न्यूमेरिकल में। और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻²² का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू
नाइन इंटू टेन की पावर 9 इंटू टू इंटू टेन की पावर -6, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये हो गया 10 की पावर -4। इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ आ गया है बेटा 2, इस 2 से ये 9 कैंसिल आउट, यहाँ आ गया है 4.5 इंटू टेन की पावर 7। आंसर आएगा न्यूटन कूलम इनवर्स और वोल्ट पर मीटर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमारे पास में होने वाला है, कुछ इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर दिया है, इस पॉइंट पर इसकी वजह से तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट इसी चार्ज के पास में रखा है या इसी चार्ज के ऊपर रखा है, तो इसकी वजह से यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब बचा हमारे पास में दूसरा चार्ज, ये वाला चार्ज, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास में इतनी। अब देखते हैं कि इसका सेकंड पॉइंट क्या रहने वाला है, जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर इसके बी पॉइंट की हम लोग बात करेंगे बेटा। ओके, उम्मीद करते हैं कि नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में, इस बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सी पॉइंट पर, यानी यहां पर, तो इसकी वजह से यहां जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अपने ही वजह से यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इसकी वजह से यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। बेटा ध्यान रखेंगे इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से यहां पर, ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो डायरेक्शन होगी इस तरफ, पॉजिटिव से दूर जाते हुए, और हमने इसे नाम दे दिया है ईसी। और देखते हैं कि इसकी वजह से यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये होने वाला है ईसी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। बेटा चार्ज हो गया अपने पास में 4 इंटू 10 की पावर -6, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हो गई 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर को हमने लिख दिया 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, 4 इंटू 10 की पावर -6, और अपॉन में आएगा 4 इंटू 10 की पावर -4, 4 से 4 कैंसिल आउट। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा 9 इंटू 10 की पावर 7 वोल्ट पर मीटर और न्यूटन कूलम इनवर्स, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन कूलम इनवर्स, यानी इस पॉइंट पर होगा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से यहाँ जीरो होगा, और यहाँ इस पॉइंट पर इसकी वजह से तो यहाँ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और डायरेक्शन होगी इस तरफ। कुछ इस तरीके से दोनों पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे बेटा। अब बारी आती है मिड पॉइंट की, हम देखेंगे कि मिड पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों चार्जेस का। ये जो बीच वाला पॉइंट आपको दिख रहा है ना, इस बीच वाले पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, ये हम लोग देखेंगे बेटा। आप जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। देखिए बेटा, हमारे पास में यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है प्लस के 4 माइक्रो कूलम्ब, और हमारे पास में यहाँ एक चार्ज है माइनस के 2 माइक्रो कूलम्ब। यहाँ हमारे पास में एक चार्ज है प्लस के 4 माइक्रो कूलम्ब, और यहाँ हमारे पास में एक चार्ज है माइनस के 2 माइक्रो कूलम्ब। यह है मिड पॉइंट। ये पूरी जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यह है 2 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास में 1 सेंटीमीटर, और ये भी हो गई 1 सेंटीमीटर। जब मैं इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, अब देखो जिस बच्चे को डायरेक्शन में प्रॉब्लम है ना बेटा, वो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी जाती हुई, मैंने इसे नाम दे दिया है E1।
इस पॉजिटिव की वजह से जब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से पॉइंट की तरफ, पॉजिटिव से पॉइंट की तरफ। इसकी वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। समझ आ गई बच्चों बात? उसके बाद आप देखिए, जब मैं इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, माइनस के दो की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन होती है नेगेटिव की ही तरफ। इसकी वजह से मैंने मान लिया भाई, इसकी वजह से मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड था E1, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो E2 था। E1 की डायरेक्शन भी इधर चली गई पॉजिटिव से पॉइंट की तरफ यानी इधर, और E2 की डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ जाएगी क्योंकि नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ ही होती है। अब आप देखो, E1 भी इधर ही चला गया और E2 भी इधर ही चला गया, E1 भी इधर ही चला गया और E2 भी इधर ही चला गया। अगर दोनों इसी डायरेक्शन में चले गए तो वेक्टर के रूल के मुताबिक दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट। हम निकाल रहे हैं बेटा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट। ये रहा अपने पास में मिड पॉइंट। जब हम मिड पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों को जोड़ देंगे। ये हो गया हमारे पास में E1 प्लस E2। अब आप देखिए कि E1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में। E1 होगा 9 × 10⁻¹। यहां का चार्ज कितना है? 4 × 10⁻⁶। और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 × 10⁻²² का होल स्क्वायर। ये हो गई E1 की वैल्यू। अब आते हैं E2 पर। E2 को हम लिखेंगे 9 × 10⁹। चार्ज है बेटा 2 × 10⁻⁶। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है अगेन 1 सेंटीमीटर, यानी 1 × 10⁻²² का होल स्क्वायर। ये हो गया है E1 और ये हो गया है अपने पास में E2। उम्मीद करता हूं कि समझ आई होगी इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप इसे करेंगे बेटा सॉल्व। अब देखो, जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करके बनेगा 36 × 10⁷ प्लस, और इसे सॉल्व करके बनेगा 18 × 10⁷। एक बना 36 × 10⁷ और एक बना 18 × 10⁷। अब जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 54 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर और न्यूटन कूलम इनवर्स। यानी मिड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है ना बेटा, मिड पॉइंट पर यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है वो इतना रहने वाला है 54 × 10⁷। इस पॉजिटिव की वजह से जब यहाँ निकालेंगे तो डायरेक्शन इधर, और जब इस नेगेटिव की वजह से यहां निकालेंगे तो डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव से होती है दूर जाती हुई और नेगेटिव के होती है पास आती हुई। पॉजिटिव से दूर जाती हुई, नेगेटिव के पास आती हुई। उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट आपको समझ आया होगा और आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे बेटा। ठीक है, ऐसे हम प्रॉब्लम बनाने वाले हैं, ऐसे हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है, ओके, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसे नोट करने के बाद में एक नया कंसेप्ट मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, क्योंकि जिसका जो थर्ड पार्ट है वो हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब नया कंसेप्ट हम लोगों से आता होगा। तो आप पहले इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद में नया कंसेप्ट आप लोग लिखेंगे बेटा। ओके स्टूडेंट, तो आइए आपको नया कंसेप्ट सिखाते हैं और देखते हैं कि नए कंसेप्ट का नाम क्या है। बेटा, जो नया कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हमें सीखना है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है नल पॉइंट। नल पॉइंट, ठीक है, हम इसे बोलते हैं नल पॉइंट कॉन्सेप्ट।
सबसे पहले जानते हैं कि नल पॉइंट होता क्या है। नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट कॉन्सेप्ट हम लोग इसे बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि नल पॉइंट होता क्या है। बेटा नल पॉइंट ना वो होता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो के बराबर होती है। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो के इक्वल, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं नल पॉइंट कंसेप्ट। और उस पॉइंट की पहचान करना, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे नल पॉइंट और इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे नल पॉइंट कंसेप्ट। अब इसके दो पार्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। पहला जो पार्ट है इसका बेटा वो है फोर लाइक चार्जेस। फोर लाइक चार्जेस, अगर चार्जेस एक जैसे हैं, चार्जेस अगर एक जैसे हैं, देखो जैसे मान लो कि एक चार्ज है हमारे पास में प्लस क्यू वन और दूसरा चार्ज है हमारे पास में प्लस क्यू टू और इनके बीच का जो गैप हमें दे रखा है यह है आर। इनके बीच का गैप है हमारे पास में आर। हमें बताना है कि नल पॉइंट कहाँ होगा। ऐसे पॉइंट की हमें पहचान करनी है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर होगा। अब देखो दोनों के दोनों चार्ज लाइक है, बहुत समझने वाला कंसेप्ट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। यह है मिड पॉइंट। अब आप ये देखो कि कौन सा चार्ज स्मॉल है। मान लेते हैं कि ये वाला चार्ज स्मॉल है आपके पास में, ये वाला चार्ज छोटा है। जो भी स्मॉल चार्ज होगा सेंटर से उसी चार्ज की तरफ, सेंटर से छोटे वाले चार्ज की तरफ, यहाँ आपको एक पॉइंट लेट कर लेना है पी। और बस ये समझ लीजिए कि इसी पॉइंट पी पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो के बराबर होने वाला है इन केस ऑफ लाइक चार्जेस। अगर दोनों चार्जेस एक जैसे हैं, दोनों चार्जेस लाइक हैं, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं, उस केस में आपको छोटा चार्ज देखना है बेटा कहाँ होगा। जिस तरफ छोटा चार्ज होगा छोटे चार्ज की तरफ ही, सेंटर से छोटे चार्ज की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होने वाली है वो जीरो के बराबर होने वाली है। जैसे कि आप इसी का दूसरा पॉइंट ये देखिए बेटा, हमारे पास में ये हो गया इसका पॉइंट वन। अब हम बात करते हैं पॉइंट टू की। देखो पॉइंट टू ये है, मान लेते हैं कि एक चार्ज हो गया माइनस के क्यू वन, दूसरा चार्ज हो गया माइनस के क्यू टू और इनके जो बीच का गैप हमें दे रखा है वो है डी। और ये पॉइंट आपको दे रखा है बेटा मिडिल पॉइंट, ये आपको दे रखा है मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट आपको दे रखा है। आपसे पूछा बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये चार्ज भी नेगेटिव है और वो चार्ज भी नेगेटिव है, यानी दोनों चार्ज लाइक हैं, दोनों चार्ज एक जैसे हैं। अब आपको देखना है कि छोटा चार्ज कौन सा होगा, स्मॉल चार्ज कौन सा होगा। बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है छोटा चार्ज देखने में। जब भी आप छोटा या बड़ा चार्ज देखेंगे ना तो बिना माइनस के देखेंगे और बिना प्लस के देखेंगे, यानी माइनस को कंसीडर करके आपको छोटा या बड़ा चार्ज, स्मॉल या लार्ज चार्ज आपको नहीं देखना है बेटा, सिर्फ वैल्यू वैल्यू आपको देखनी है। मान लीजिए कि ये वाला जो चार्ज है, ये जो क्यू वन है, ओनली क्यू वन, क्यू वन है, ये स्मॉल हो गया। अगर ये स्मॉल चार्ज हो गया ना बेटा आप लोगों का, तो मिड पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर होगी। इस तरीके से हम नल पॉइंट की पहचान करेंगे, यानी जिस तरफ भी छोटा चार्ज होगा, जिस तरफ भी छोटा चार्ज होगा इन केस ऑफ लाइक चार्जेस, उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके ऊपर कम से कम दो तीन एग्जाम्पल बताता हूँ, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा बेटा। ओके स्टूडेंट, चलिए तो अभी हम बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर वन। देखिए एग्जाम्पल नंबर वन हमारे पास में क्या है, एक चार्ज हमें दे रखा है माइनस के टू माइक्रो कूलम्ब और एक चार्ज हमें दे रखा है माइनस के एट माइक्रो कूलम्ब। एक दे रखा है माइनस टू और एक दे रखा है माइनस एट और इनके जो बीच का गैप हमें दे रखा है वो है 40 सेंटीमीटर और यह है मिड पॉइंट। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा।
सबसे पहले चेक करके मुझे ये बताइए कि ये लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं। सबसे पहले चेक करके मुझे ये बताइए कि ये लाइक है या अनलाइक है। भाई ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं तो डेफिनेटली ये है लाइक चार्जेस। ये चार्जेस हमारे लाइक चार्जेस हैं बेटा। अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं तो ये हमारे लाइक चार्जेस हैं। अब आपको क्या करना है, लाइक चार्जेस के केस में आपको छोटा चार्ज देखना है बिना माइनस के और बिना प्लस के। भाई एक की वैल्यू तो हो गई 8 और एक की वैल्यू हो गई 2, माइनस नहीं देखना है बेटा। एक हो गया है 8 और एक हो गया है 2। ऑब्वियसली जो 2 होगा वो 8 से छोटा होगा, जो 2 होगा वो 8 से छोटा होगा। तो छोटे वाले चार्ज की तरफ, यानी यहाँ पर ये हमने एक पॉइंट लेट कर दिया ऐसे, इतनी डिस्टेंस को हम लोगों ने लेट कर लिया x, ये डिस्टेंस हो गई x। अगर ये डिस्टेंस x है तो रिमेनिंग डिस्टेंस हो गई हमारे पास में 40 माइनस x, 40 माइनस x। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कितना होगा, इसकी वजह से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10 की पावर -6, माइक्रो है तो 10 की पावर -6, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x, x² = और इसकी वजह से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हो गया 8 × 10 की पावर -6 और डिस्टेंस हो गई 40 - x का होल स्क्वायर। हमने इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया और इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया और दोनों को बराबर रख दिया। जब दोनों को बराबर रखेंगे ना तभी इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर रख दिया हमने। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ये बच गया 4। यहाँ बचा हमारे पास में 1/x² 4 को हमने लिख दिया है 2/40 - x का होल स्क्वायर, 1/x² और यहाँ हमने लिख दिया 2/40 - x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर फिनिश। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 40 - x = 2x, सो 3x = 40, x = 40/3 cm, 40/3 cm फ्रॉम दिस चार्ज। इस वाले चार्ज से 40/3 cm इधर चलकर यहाँ एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और जिस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा उसी पॉइंट को हम नल पॉइंट का नाम देंगे बेटा। जिस पॉइंट पर हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ना उसी पॉइंट को हम नल पॉइंट का नाम देंगे। ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, आगे मैं एग्जाम्पल आप लोगों को इसके ऊपर बताऊंगा। आइए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए आगे जो एग्जाम्पल है हमारे पास में, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है कि एक चार्ज हमें दे रखा है 1 माइक्रो कूलम्ब, दूसरा चार्ज हमें दे रखा है 16 माइक्रो कूलम्ब। एक है 1 माइक्रो कूलम्ब और एक है 16 माइक्रो कूलम्ब, और इनके जो बीच का गैप हमें दे रखा है वो है 50 सेंटीमीटर, और यहाँ है अपने पास में मिड पॉइंट। सबसे पहले आप ये देखिए कि दोनों चार्ज लाइक है या नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ लाइक चार्जेस की बात कर रहे हैं, यानी ऐसे चार्जेस की बात कर रहे हैं जो एक जैसे होंगे। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ये दोनों के दोनों चार्ज हमारे पास में बेटा कैसे चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के दोनों हमारे पास में लाइक चार्जेस हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें पता चल चुका है कि भाई दोनों के दोनों लाइक हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के दोनों एक जैसे हैं, तो लाइक चार्जेस हैं। अब ढूंढो कि छोटा चार्ज किधर है। अब आप देखिए कि स्मॉल चार्ज कौन सा है। हम कहेंगे कि भाई ये चार्ज स्मॉल है, 1 16 से कम होता है तो ये स्मॉल है। तो यहाँ एक पॉइंट हमने लेट कर दिया P, और हमने कहा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है।
मिड पॉइंट से छोटे वाले चार्ज की तरफ आपको पॉइंट मानना है बेटा, या छोटे वाले चार्ज से अंदर की तरफ आपको पॉइंट मानना है। क्या तो ये कह दो कि मिड पॉइंट से इधर मानना है, या कह दो कि छोटे वाले से अंदर की तरफ पॉइंट आपको मानना है। हमने इस डिस्टेंस को नाम दे दिया बेटा एक्स, ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास में एक्स। अगर ये डिस्टेंस हमारे पास में एक्स है तो ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास में 50 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस हो गई 50 माइनस एक्स। अब इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कितना होगा, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0, चार्ज की वैल्यू है 1×10⁻⁶, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर। इसके बाद इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कितना होगा, उस वाले की वजह से यहाँ निकालते हैं कितना होगा, देखो कितना होगा 1/4πε0, चार्ज हो गया 16×10⁻⁶, और डिस्टेंस हो गई हमारे पास में 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट, ये बचा हमारे पास में 1/x² और ये बचा हमारे पास में 4/50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर फिनिश, 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, 50 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लो बेटा, इधर से 10 सेंटीमीटर दूर और इधर से 40 सेंटीमीटर दूर, अगर इधर से 10 हो गया तो टोटल 50 है, तो इधर से हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, इधर से 10 सेंटीमीटर। हमने ना होल स्क्वायर लिख दिया बेटा, 1/x² और 16 को हमने लिख दिया 4, और नीचे है 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जिससे कि हम कैलकुलेशन आसानी से कर पाएँ। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारा। ऐसे हम कंडीशन बनाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हो बात, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि लाइक चार्ज है भी या नहीं है, अगर लाइक चार्ज होंगे तभी आप लोगों को इस तरीके से बढ़ाकर आगे की तरफ चलना है बेटा। जल्दी से नोट डाउन करिए एक और एग्जाम्पल, फिर अनलाइक चार्जेस का केस पढ़ेंगे बेटा हम लोग, अनलाइक चार्जेस का केस पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास में क्या है, एक चार्ज हमें दे रखा है प्लस के 4 माइक्रो कूलम्ब और एक चार्ज हमें दे रखा है प्लस के 9 माइक्रो कूलम्ब, और इनके बीच का जो गैप हमें दिया गया है वो है 10 सेंटीमीटर और यह है मिड पॉइंट। ठीक है, अब आप हमें बताइए कि सबसे पहले लाइक चार्ज है या नहीं है। सबसे पहले आप देखकर हमें ये बताइए बेटा कि लाइक चार्ज है या नहीं है। आप कहोगे कि सर बिल्कुल लाइक चार्ज है, इससे अच्छे लाइक चार्ज तो और हो क्या सकते हैं, ये प्लस 4 है और वो प्लस 9 है। तो फिर लाइक चार्ज देखने के बाद जो अगला स्टेप आता है उसमें क्या देखना है, उसमें देखना है कि छोटा चार्ज कौन सा होगा। छोटा चार्ज होगा ये, इससे अंदर की तरफ ये पॉइंट हमने मान लिया, ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास में एक्स, और ये डिस्टेंस हो गई बेटा हमारे पास में 10 माइनस के एक्स। एक बार इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये हो गया 1/4πε0, चार्ज हो गया 4×10⁻⁶, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई एक्स स्क्वायर। अब दूसरे वाले की वजह से निकालो, 1/4πε0, इसकी वजह से यहाँ निकालते हैं, चार्ज हो गया 9×10⁻⁶, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई ये 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। देखो होल स्क्वायर बनाने के लिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं बेटा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/x² 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10⁻⁶ होल स्क्वायर से होल स्क्वायर फिनिश, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 माइनस के 2x इज इक्वल टू 3x, सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। जब आप सॉल्व करोगे तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी बेटा आपके पास में, वो यहाँ से वो निकल कर आएगी
सॉरी 5 नहीं 4 निकल कर आएगी, x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर यानी इधर से 4 सेंटीमीटर पर और इधर से 6 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो के बराबर होगा। तो लाइक चार्ज के केस में जब भी आपको नल पॉइंट ढूंढना होगा बेटा, लाइक चार्जेस के केस में जब भी आपको नल पॉइंट ढूंढना होगा, पहले तो ये बताइए कि समझ गए ना नल पॉइंट क्या होता है। नल पॉइंट वो है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर होता है, नल पॉइंट वो है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो के बराबर, ऐसे पॉइंट को हम नल पॉइंट का नाम देंगे। और जब भी आपको लाइक चार्जेस के केस में नल पॉइंट आपको ढूंढना है तो छोटे वाले चार्ज से अंदर की तरफ यानी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होगा। एक बार इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक बार इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और दोनों को बराबर रख के कैलकुलेट करके आपको एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। लाइक चार्ज की प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करेंगे बेटा। अब आते हैं हम लोग अनलाइक चार्जेस के केस में। चलिए देखते हैं कि अनलाइक चार्जेस का केस क्या होगा। दो एग्जाम्पल मैं आपको इसके ऊपर बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा। हमारे पास में जो कंसेप्ट है वो है अनलाइक चार्जेस के लिए बेटा। नल पॉइंट अनलाइक चार्जेस में हम लोग देखेंगे क्या होगा। आप देखो, एक चार्ज है मेरे पास में +1 माइक्रोकूलम्ब, दूसरा चार्ज है मेरे पास में -9 माइक्रोकूलम्ब और इनके जो बीच का गैप आपको दे रखा है वो है 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप ये देखिए बेटा, एक चार्ज कैसा है पॉजिटिव, एक चार्ज कैसा है नेगेटिव। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये अनलाइक चार्जेस है। डेफिनेटली ये कैसे चार्जेस है, डेफिनेटली ये अनलाइक चार्जेस है यानी ओपोजिट चार्जेस हैं। ओपोजिट चार्जेस में पॉइंट की पोजीशन बदल जाती है। ओपोजिट चार्जेस में आपको क्या करना है, इन दोनों में छोटे वाला चार्ज देखना है जैसे आप पहले देख रहे थे। एक तो हो गया 1 और एक हो गया 9, ये माइनस और ये प्लस आपको नहीं देखना है। एक हो गया 1 और एक हो गया 9, 1 होता है छोटा, तो छोटे वाले से बाहर की तरफ यहां आपको इस बार पॉइंट लेट करना है बेटा। छोटे वाले चार्ज से बाहर की तरफ यहां आपको पॉइंट लेट करना है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो के बराबर होगा। अनलाइक चार्जेस के केस में छोटे चार्ज से बाहर की तरफ आपको पॉइंट मानना है और लाइक चार्ज के केस में छोटे चार्ज से अंदर की तरफ आपको पॉइंट मानना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, एक बार हम इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये आएगा 1/4π ε0 1×10⁻⁶ और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हो गई हमारे पास में x² = और एक बार हम इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसकी वजह से यहां वैसे ही करेंगे, बराबर रख देंगे आपस में 1/4π ε0। चार्ज कितना है 9×10⁻⁶। देखो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई 20 और ये हो गई x, तो टोटल हो गई हमारे पास में 20+x² इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इसे हम लिख सकते हैं 1/x² 9 को हम लिख सकते हैं 3/20+x² होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल आउट। सॉल्व करिए, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में बनेगा 20+x = 3x, 20 = 2x, x = 10 सेंटीमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, इस वाले चार्ज से नल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये 20 और ये 10, ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। देखो बेटा, जब भी आप नल पॉइंट की प्रॉब्लम करते हो ना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम सही पॉइंट को चूज़ करें, हम सही पॉइंट को लेट करें। लाइक चार्जेस के केस में हमें पॉइंट छोटे वाले से अंदर की तरफ मानना है और अनलाइक के केस में हमें पॉइंट छोटे वाले से बाहर की तरफ मानना है। ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बस ये समझ लो कि इस क्वेश्चन का यही कंसेप्ट है, यही लॉजिक है, यही ट्रिक है।
जिस बच्चे से ये बात पता है, जिस बच्चे से ये बात आती है, वो बड़े प्यार से प्रॉब्लम बना पाएगा। और ये क्वेश्चन इंडिया का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम हो, नीट हो, मेंस हो, एडवांस हो, KVPY हो, जिसमें ये प्रॉब्लम आप लोगों से ना पूछी गई हो बेटा, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखेंगे। एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं इसके ऊपर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे पास में प्रॉब्लम बनी बेटा ये, एक है हमारे पास में माइनस के 4 माइक्रोकूलम्ब और एक है हमारे पास में प्लस के 16 माइक्रोकूलम्ब। ये डिस्टेंस हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप देखो कि अनलाइक चार्जेस का केस है बेटा, है ना, अनलाइक चार्जेस का। ये माइनस है और वो प्लस है, ये 4 है और ये 16 है, तो छोटा कौन हो गया, 4। 4 से बाहर की तरफ हमने यहाँ एक पॉइंट लेट कर दिया, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया x। एक बार इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और एक बार इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और दोनों को बराबर रखेंगे, 1/4πε0 4×10⁻⁶ और नीचे हो गया x2। 1/4πε0 4×10⁻⁶ और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। इधर आते हैं, 1/4πε0 16×10⁻⁶ और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई हमारे पास में 10+x2। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ये आ गया 4। इसे हम लिखेंगे 1/x2 और इसे हम लिखेंगे 2/10+x2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास में बचेगा 10+x = 2x। सॉल्व करेंगे बेटा, x की वैल्यू निकल जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है 0 के बराबर। तो भैया अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि कहाँ हमें पॉइंट लेट करना है और कहाँ हमें पॉइंट लेट नहीं करना है। तो ये पूरा कंसेप्ट आपके सामने हो गया बेटा, नल पॉइंट कंसेप्ट। अच्छे तरीके से आप लोग इसे अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें। कितने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, हर एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में आप लिखें, ठीक है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अब जैसे ये थर्ड पार्ट देखिए बेटा, इसका क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट क्या है, ध्यान से। दो चार्जेस हमें दे रखे थे, 4 माइक्रोकूलम और माइनस के 2 माइक्रोकूलम, और बताना था कि फाइंड वेयर ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मतलब इस लैंग्वेज के साथ आप लोगों से प्रॉब्लम पूछी जाएगी, बताना है कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर होगा। अब देखो बेटा, हमें दो चार्जेस दिए गए हैं, एक चार्ज है हमारे पास में प्लस के 4 माइक्रोकूलम्ब और एक चार्ज है हमारे पास में माइनस के 2 माइक्रोकूलम्ब और इनके जो बीच का गैप हमें दे रखा है वो है 2 सेंटीमीटर। अब आप देखो, एक प्लस है और एक माइनस है, अनलाइक हो गए, छोटा कौन है, 2। तो 2 से बाहर की तरफ यानी इधर, यहाँ एक पॉइंट हमने लेट कर लिया, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया x, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कितना होगा और फिर इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कितना होगा, 1/4πε0 2×10⁻⁶ x2, इसकी वजह से इतना हो गया बेटा। अब इसकी वजह से निकालते हैं, 1/4πε0 4×10⁻⁶ और नीचे हो गया 2+x2। ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ये आ गया 2। बेटा समझ में आ रही बात, यहाँ बचा हमारे पास में 1/x2। 2 को तो हम, अब 2 का तो स्क्वायर बनाकर हम लिख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए 2 को हमने लिख दिया √2 और नीचे हो गया 2+x2, इससे ये कैंसिल आउट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
टू प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट टू एक्स, ठीक है। देखो क्या रिजल्ट बनेगा बेटा हमारे पास में, टू इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन, साथ में है एक्स, एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास में टू अपॉन रूट टू माइनस वन, ये हमारा आंसर निकल कर आएगा बेटा। एक्स इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन सेंटीमीटर, यानी इतनी डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बेटा हमारा, वो जीरो के इक्वल होगा। इतनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो के इक्वल होने वाला है, ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बात समझ आई हो और कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ना, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो बेटा ये हो गई हमारी आज की इलेक्ट्रिक फील्ड की क्लास। मैंने आपको आज इलेक्ट्रिक फील्ड में कई सारी बातें बताई हैं, आप उन्हें ध्यान से अपनी क्लास पर कॉपी में नोट करें, फिर उन्हें होमवर्क कॉपी के अंदर रिपीट करें, उन्हें अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि इस बार आप लोगों का जो टेस्ट है उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक भी आ रहा है। ओके, तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ें, कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपने फिजिक्स की क्लास की जो वीडियो आप देखते हैं उसका टाइम आप फिक्स कर लें बिल्कुल। अगर बिना टाइम फिक्स करे आप वीडियो को देखेंगे ना तो बड़ी परेशानी होगी आपको, तुम्हारा भी एक शेड्यूल सा नहीं बैठ पाएगा। कोई भी एक टाइम फिक्स कर लो अपनी फिजिक्स की वीडियो के लिए और उसी समय बैठकर अपना पूरी तरीके से काम करो, हमें होमवर्क प्रॉपर तरीके से भेजो। जो भी आप लोगों को डाउट आ रहा है, अगर कोई भी छोटा सा भी आप लोगों को डाउट आ रहा है, चाहे वो 11th से रिलेटेड है चाहे वो 12th से रिलेटेड है, आप तुरंत हमसे कॉन्टैक्ट करो, फ़ोन से कॉन्टैक्ट करो, व्हाट्सएप से करो, या इंस्टीट्यूट पर ही आप लोग आ जाओ। एक दो बच्चा करके इंस्टीट्यूट पर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके डाउट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे बेटा, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आज की बात तो हम लोगों ने कर ली। अब जो मैं आपको कूलम्स लॉ के पीछे की प्रॉब्लम करवा रहा हूँ आप लोगों के रिवीजन के लिए या आपके और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, उनमें से एक प्रॉब्लम हमारे पास में ना ये है बेटा। एक बार आप क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो IIT एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए, ना नीट वालों के लिए है, ना बोर्ड वालों के लिए है, ना मेंस वालों के लिए है। एक बार आप अच्छे तरीके से देख लें प्रॉब्लम को, फिर मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं बेटा। देखिए क्या है बेटा प्रॉब्लम, थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज q, ईच आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय इंसुलेटिंग मासलेस स्ट्रिंग ईच ऑफ लेंथ l। If the particles are in equilibrium, अब जैसे ही इस वर्ड का नाम आपने सुना equilibrium, इसका मतलब यह है कि उन पार्टिकल पर काम करने वाला जो टोटल फोर्स है वो जीरो के इक्वल है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? ओके, एंड आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, कैलकुलेट द चार्ज क्यू ऑन ईच पार्टिकल, एज्यूम कैपिटल एल इज ग्रेटर ग्रेटर देन ऑफ ए। बेटा मैं आप लोगों को ना हल्का सा फील कराने की कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम कैसे है। देखो ध्यान से आप लोग मेरी बात समझिएगा, एक कॉमन पॉइंट से तीन स्ट्रिंग है, कॉमन पॉइंट ये रहा, देखो ऐसे बिल्कुल कॉमन पॉइंट ये रहा, एक स्ट्रिंग तो यहाँ से ऐसे हो गई, एक स्ट्रिंग तो यहाँ से ऐसे हो गई, एक यहाँ से हो गई, एक और यहाँ से हो गई, एक और हो गई, और ये इनके कॉर्नर हो गए, और ये कॉर्नर तीनों मिलकर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं कुछ इस तरीके से। मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि ये तो हो गया कॉमन पॉइंट हमारा, देखो बेटा ये तो हो गया कॉमन पॉइंट, एक स्ट्रिंग हो गई ये, एक स्ट्रिंग हो गई ये, और एक स्ट्रिंग हो गई हमारे पास में ये हो गए इनके कॉर्नर्स, ये हो गए इनके कॉर्नर, ठीक है।
और ये कॉर्नर मिलकर ऐसे, ये जो कॉर्नर आप लोगों को दिख रहे हैं ना बेटा, ये कॉर्नर मिलकर ऐसे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक चार्ज यहाँ रखा है प्लस क्यू, एक चार्ज यहाँ रखा है प्लस क्यू, और एक चार्ज हमारे पास में यहाँ रखा है प्लस क्यू। ठीक है, इस तरीके से हमने कॉमन पॉइंट से तीन थ्रेड को लटकाकर ऐसा सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है बेटा। ठीक है, अब देखो हम कैसे प्रॉब्लम बनाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा जरा। अब ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, इसकी ये वाली साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, और ये साइड भी ए है। ठीक है, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, और ये साइड भी ए। इसका जो मास है वो है आपके पास में m। देखो बेटा ध्यान से, अब ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू पर फोर्स लगाएगा इस तरफ, और ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू के ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरफ। ये भी f होगा, ये भी f होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ बीच में चला जाएगा हमारे पास में अंडर रूट 3f। ये चला गया बेटा हमारे पास में बीच के अंदर अंडर रूट 3f। उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे आप हमारी बात को। ये हमारे पास में अंडर रूट 3f चला गया। ठीक है, अच्छा अब क्या हो रहा होगा, ये अंडर रूट 3f यहाँ जब चला गया, हमने एक बॉडी को पकड़ लिया, इस बॉडी का मास होगा m, नीचे की तरफ काम कर रहा होगा mg, यहाँ थ्रेड के अंदर टेंशन आ रही होगी t। अब आप देखो, अगर ये t है, हमने इस एंगल को लेट कर लिया थीटा, इधर जा रहा होगा t cos थीटा, और इधर जा रहा होगा अपने पास में t sin थीटा। ये सिचुएशन हमारे पास में ना बन रही होगी बेटा, ये सिचुएशन हमारे पास में बन रही होगी। थोड़ा सा देखो, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एडवांस वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि चीज़ें जो है ना वो 3D शेप के अंदर है बेटा। ठीक है, यहाँ टेंशन आ गई है टी, ये टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा, और ये टी साइन थीटा अंडर रूट 3f को बैलेंस करेगा। तो टी साइन थीटा ने बैलेंस कर लिया है अंडर रूट 3f को, और टी कॉस थीटा ने बैलेंस कर लिया है एम जी को। ये हो गई है इक्वेशन वन, और ये हो गई है इक्वेशन टू। हमने फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को कर दिया है डिवाइड, टी से टी कैंसिल आउट, हमारे पास में बचा टेन थीटा, और यहाँ हमारे पास में बचा अंडर रूट 3f और अपॉन में है mg। देखो बेटा, f को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, f क्या है, f है दो कॉर्नर के बीच में काम करने वाला फोर्स f है। तो f की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, और ये हो गया a स्क्वायर। ये हो गई f की वैल्यू, f की जगह रखेंगे ये वाली वैल्यू। अब बचा हमारे पास में tan थीटा। अब देखते हैं बेटा tan थीटा हमारा कैसे निकलेगा। ये लेंथ जो हो गई है ना अपने पास में, ये लेंथ हो गई है अपने पास में l, ये लेंथ हमारे पास में हो गई है बेटा l। ठीक है, इसके सेंटर से मैंने मिला दिया, यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर से मिला दिया इसे। यानी सिचुएशन ना कुछ ऐसी बन रही है, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो, ये तो हो गई स्ट्रिंग और मैंने इसे यहाँ से यहाँ मिला दिया, ये डिस्टेंस तो हो गई बेटा आपके पास में L, ये डिस्टेंस तो हो गई L, क्योंकि स्ट्रिंग की लंबाई हमें दे रखी है L। ये हो गया आपके पास में थीटा, ये हो गया थीटा, और ये हो गया ट्राइंगल के एक कॉर्नर से लेकर ट्राइंगल के सेंटर तक की डिस्टेंस। ट्राइंगल के एक कॉर्नर, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एक कॉर्नर से लेकर सेंटर तक की जो डिस्टेंस रहती है वो रहेगी a बाय रूट थ्री। इतनी रहेगी बेटा हमारे पास में a बाय रूट थ्री। हमें चाहिए टेन थीटा, हाइपोटेनियस हमारे पास में है l, परपेंडिकुलर हमारे पास में है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये निकाल देंगे बेस, फिर टेन थीटा का फॉर्मूला हम लगा देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, एफ की वैल्यू यहाँ रख देंगे, और क्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरीके से क्यू हमारा निकल कर आएगा बेटा इस प्रॉब्लम के अंदर। सबसे पहले तो आप जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा था, उस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिखें और समझें कि एक ही पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से तीन थ्रेड को हमने सस्पेंड कराया,
तीन कॉर्नर पर तीन चार्ज रखे हैं, दो कॉर्नर इस पर कितना फोर्स लगाएंगे, अंडर रूट 3F, नीचे लगेगा mg, यहाँ लगेगा t, यहाँ लगेगा t cos थीटा, t sin थीटा, इक्विलिब्रियम में है तो सबने बैलेंस कर लिया। अब tan थीटा हमने कैसे निकाला, बस ये आप लोग ध्यान रखेगा, ऐसे हम प्रॉब्लम बनाएंगे बेटा। उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे उस अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतने सारे सवाल मैं करवा चुका हूँ, उनको बात समझ आई होगी और उन क्लियर हुआ होगा उनका कंसेप्ट, ठीक है। चलिए बाकी बात करेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप अपना काम पूरी तरीके से कंप्लीट करके रखिएगा।